हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विकास क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के बारे में डिस्कस किया था, उसकी प्रूविंग भी बताई थी। आज उस पर बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आइडेंटिटी बताई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये फर्स्ट आइडेंटिटी है। और सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और कॉशेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये तीनों बेसिक आइडेंटिटी हैं। जैसे कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज भी आनी चाहिए, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और एक होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। और ए प्लस बी का होल क्यूब होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। इन सभी का आगे चल के बहुत सारा यूज है। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस थ्री ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का होता है ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस थ्री ए बी ब्रैकेट में ए माइनस बी। अब इसका यूज करते हैं आइडेंटिटी का। देखिए, जैसे कि हमें साइन की पावर फोर थीटा प्लस कॉस की पावर फोर थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है, और एक वैल्यू निकालनी है साइन की पावर सिक्स थीटा प्लस कॉस की पावर सिक्स थीटा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल अप स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो हमने इसका यूज किया। अब ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया पूरा ए ब्रैकेट के अंदर वाला और ये हो गया बी। तो हम लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस टू ए बी, माइनस टू ए की वैल्यू लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, बी की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसकी जगह पे 1 रख देंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, तो 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज है, यानी हम कह सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये देखिए इसी प्रकार से हम साइन की पावर सिक्स थीटा प्लस कॉस की पावर सिक्स थीटा निकाल सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, देखिए पावर की भी जब पावर तो मल्टीप्लाई, थ्री टू या सिक्स हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। अब ये देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस थ्री ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो लिखेंगे ए प्लस बी का होल क्यूब, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब माइनस थ्री ए बी मीन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो लिख सकते हैं यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये देखिए ये हो जाएगा वन, वन का होल क्यूब माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा
इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया 1, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी है, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में बताने जा रहे हैं। यहाँ देखते हैं कि किन दो एंगल का सम 90 डिग्री है। यहाँ पे देखिए इनका सम 90 डिग्री है, तो किसी एक एंगल को कन्वर्ट कर लेते हैं 90 माइनस थीटा में। हमने बताया था 90 प्लस माइनस थीटा में रेशियो चेंज होते हैं। अगर साइन 90 प्लस थीटा हो तो वो हो जाएगा कॉस थीटा, या कॉस 90 माइनस थीटा हो तो वो हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। तो देखिए साइन 20 डिग्री अपॉन कॉस 20 डिग्री, इसको कर सकते हैं क्या, 20 को 90 माइनस 70 कर लें या 70 को 90 माइनस 20 कर लें, किसी एक को चेंज कर लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं साइन 20 को करते हैं यहाँ पर साइन 90 माइनस 70 कर सकते हैं अपॉन कॉस 70 डिग्री। हमने बताया साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, या कॉस 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। सिर्फ रेशियो चेंज होते हैं क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, और कॉट 90 माइनस थीटा कॉट 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा सेक थीटा। सिर्फ रेशियो चेंज होंगे, बाकी साइन पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, ये थीटा की वैल्यू है, तो साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस 70, और नीचे वैल्यू को ऐसे सेम लिखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे cos 70 कैंसिल होके 1 आ गया। अब इसमें यहाँ देखिए इन दोनों का सम, ये 49 और 41, इन दोनों का सम 90 है, तो एक को 90 माइनस थीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं साइन 49 को करते हैं 90 माइनस 41 डिग्री, 49 को क्या कन्वर्ट कर लिया, 90 डिग्री माइनस 41 डिग्री अपॉन cos को ऐसे सेम रखते हैं का होल स्क्वायर प्लस कॉस, इसको भी 41 को कर लिया 90 माइनस 49 डिग्री अपॉन साइन 49 डिग्री। अभी देखिए इसका होल स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर कॉस 41 अपॉन कॉस 41 का होल स्क्वायर। यहाँ पर कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 49 अपॉन साइन 49 का होल स्क्वायर। ये देखिए ये और ये कैंसिल हो गया, इसमें भी ये और ये कैंसिल हो गया, तो आ गया 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये देखिए 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी 1 प्लस 1 आ गया आंसर 2। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ पर भी दो एंगल का सम 90 है, तो किसी एक को चेंज कर लेते हैं। लिखेंगे इसमें कौशिक 31 को लिखते हैं 90 माइनस 59 डिग्री, और एक को सेम रखते हैं 59 डिग्री। अब यहाँ पर कॉशिक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, ये देखिए कॉशिक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, लिख देते हैं सेक थीटा की वैल्यू 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। ये देखिए दो जब सेम है उनका माइनस करते हैं तो आंसर क्या आता है 0, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इसमें देखिए सब मल्टीप्लाई में, तो हम उन दो जोड़ों के देखते हैं जिनका सम 90 डिग्री है। यहाँ पे ये 48 और ये 42, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री। तो यहाँ पर 48 और 42 इसको किसी एक को चेंज कर लेते हैं, तो इसको लिखेंगे टेन, देखिए यहाँ पर
लिख सकते हैं टेन, 90 माइनस 48 को लिखते हैं 42 डिग्री, और इसको टेन 30, ये देखिए टेन 30 यानी ये वाला टेन 30 और ये 67, 67 और 23 इन दोनों का सम 90 है, किसी एक को चेंज कर लेते हैं, तो ये 23 को लिखते हैं 90 माइनस 67 डिग्री, और टेन 42 को ऐसे लिखते हैं और टेन 67। यहाँ पे देखिए चार टर्म थे तो हमने दो दो के पेयर में ले लिया, और किसी यानी दो को हमने चेंज किया 90 माइनस थीटा में और दो को सेम रखा। अब यहाँ पर टेन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉट थीटा, कॉट थीटा की वैल्यू 42 डिग्री, टेन 90 माइनस थीटा ये भी हो जाएगा कॉट 67 डिग्री इंटू टेन 42 ऐसे लिखते हैं और टेन 67 भी ऐसे लिख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने बताया था कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है 1/10 थीटा, तो इसको कॉट थीटा को लिखते हैं 1/10 थीटा, टेन 42 डिग्री, ये भी कॉट थीटा यानी 1/10 थीटा 67 डिग्री, और ये इंटू टेन 42 डिग्री, और यहाँ टेन 67 है तो टेन 67 लिख लेते हैं। अब सभी आपस में मल्टीप्लाई में है तो, और ये डिवाइड में है तो ये और ये कैंसिल हो गया, और ये कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर आ गया 1। दिस इज अवर फाइनल आंसर। अब इसको देखते हैं, यहाँ पर ये देखिए 50 और 40 ये एक जोड़ा है और एक ये जोड़ा है, तो इन दो पेयर को देखिए एक किसी एक को चेंज करते हैं, यहाँ पे लिखते लेते हैं सिक 90 माइनस 40, 50 को हमने लिखा 90 माइनस 90 माइनस 40, और ये साइन 40 डिग्री लिख लिया, प्लस कॉस 40 को लिख लिए 90 माइनस 50, और कॉस को ऐसे लिख लेते हैं, किसी एक को चेंज हमें करना है। अब देखिए सेक 90 माइनस थीटा हो गया कॉसेक थीटा, थीटा की वैल्यू 40 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, साइन 50 इंटू कॉशेक 50। हम हमेशा प्रयास करते हैं कि सभी वैल्यू साइन कॉस 10 यानी जो कॉशेक है वो साइन बन जाए, और जो सेक है उसको 1/cos लिखेंगे, और जो कॉट है उसको 1/10, यानी सभी जो रेशियो है साइन कॉस या टेन में आने चाहिए। देखिए कॉशेक है तो इसको कर लेते हैं 1/sin, साइन का रेसिप्रोकल कॉशेक होता है, तो इसको लिख देते हैं 1/sin, थीटा की वैल्यू 40 डिग्री, ये इस इंटू साइन 40 डिग्री, प्लस ये साइन 50 डिग्री लिख लेते हैं इंटू कॉशेक 1/sin 50। अब देखिए सभी वैल्यू साइन कॉस में आ चुकी हैं, यानी पूरे सभी एक टर्म में ही चेंज हो गए, सॉरी यहाँ पर कॉस ये सेक था, एक मिनट ये सेक था, तो इसको लिख सेक 90 माइनस थीटा कॉशेक, कॉशेक साइन ये हो गया, हाँ सही है। अब ये देखिए यहाँ पर ये और ये कैंसिल हो गया, इसमें 50 और 50 ये कैंसिल, इसकी वैल्यू 1+1 इज इक्वल टू 2। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1+ कॉट स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1+tan स्क्वायर थीटा, इन आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है। अब यहाँ पर 1-cos स्क्वायर थीटा, इस यहाँ से देखिए 1 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1-cos स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1- साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर 1-cos स्क्वायर ए है, तो 1-cos स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पर लिख देंगे साइन स्क्वायर ए, यहाँ पर साइन स्क्वायर ए, और कॉशिक कॉशिक को लिख सकते हैं 1/sin, कॉशिक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर ए, यहाँ एल एच एस से सॉल्व कर देंगे, एल एच एस हमने लिया है, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा और आएगा आंसर 1, लिखेंगे एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। अब ये देखिए यहाँ पर भी आर एच एस लेंगे, एल एच एस लेंगे, जैसे एल एच एस, एल एच एस में क्या है टेन स्क्वायर इंटू कॉस, टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं, देखिए एक बताया था टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो यहाँ पर
टेन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये देखिए कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया, आ गया साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, वन अब माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस आ चुका है, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। थर्ड क्वेश्चन वी हैव वन प्लस कॉट स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर इज इक्वल टू वन। तो एल एच एस लेंगे, एल एच एस में लिखा है वन प्लस कॉट स्क्वायर, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉशिक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर वन प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह क्या लिखेंगे, कॉशिक स्क्वायर ए। तो कॉशिक स्क्वायर ए इंटू ये लिख देंगे साइन स्क्वायर ए, कॉशिक स्क्वायर ए की जगह क्या लिखेंगे, वन अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में कैंसिल हो गया, आ गया वन। तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। फोर्थ क्वेश्चन कॉसेक थीटा और वन माइनस साइन थीटा। यहां लिखेंगे कॉसेक थीटा तो यहां पर कॉसेक थीटा अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। अब ये देखिए कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं वन अपॉन साइन थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर भी लगा है, स्क्वायर रूट भी लगा है, वर्गमूल भी है और वर्ग भी है। तो क्या वर्ग, ये वर्ग हट जाएगा, यानी लिखेंगे साइन थीटा। तो साइन से साइन थीटा कैंसिल हो गया, यानी साइन थीटा कैंसिल हो गया, आ गया वन। अब इससे ये प्रूव करना है तो एलएचएस लेंगे, एलएचएस है कॉस थीटा अपॉन वन माइनस साइन थीटा। अभी देखिए नीचे कॉस है तो इसका हमें रेशलाइजेशन करना होगा, लिखेंगे वन, ये रेशलाइजेशन में जो नीचे का साइन है उसको चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे वन प्लस साइन थीटा अपॉन वन प्लस साइन थीटा, यानी सेम नंबर से मल्टीप्लाई, सेम नंबर से डिवाइड किया तो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसी को कहते हैं रेशलाइजेशन। अब इसमें क्या हो जाएगा, लिखेंगे कॉस थीटा इंटू वन प्लस साइन थीटा। अब ये देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये देखिए इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा ब्रैकेट में वन प्लस साइन थीटा अपॉन, ये हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये देखिए नीचे दो पावर है ऊपर एक पावर, तो इससे कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा आंसर वन प्लस साइन थीटा नीचे कॉस थीटा, दिस इज अवर फाइनल आंसर। सिक्स क्वेश्चन वी हैव टेन थीटा प्लस वन अपॉन टेन थीटा, एल एच एस लेंगे। तो यहां पर लिख सकते हैं टेन थीटा प्लस वन अपॉन टेन थीटा। तो टेन थीटा को लिख सकते हैं, यहाँ पर टेन थीटा लिख दिया। अब वन अपॉन टेन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। हमने फॉर्मूला आपको बताया था टेन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन का रेसिप्रोकल कॉट, यानी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं टेन थीटा अपॉन कॉट थीटा की जगह साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पर कॉस से कॉस एलसीएम में डिवाइड करेंगे, कॉस का इसका डिनोमिनेटर का डिवाइड करेंगे, कॉस से कॉस कैंसिल साइन बचेगा। अब साइन से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से इसमें साइन से साइन का डिवाइड, साइन से साइन कैंसिल, कॉस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉ, ये कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा वन, वन अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसको लिख सकते हैं ऐसे वन अपॉन कॉस थीटा इंटू वन अपॉन साइन थीटा, तो ये आ जाएगा वन अपॉन कॉस थीटा को लिख सकते हैं, वन अपॉन कॉस थीटा को हो जाएगा सेक थीटा, और वन अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा। तो इस तरह से आर एच एस आ चुका है, लिख सकते हैं एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड।
दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।